चैप्टर्स है, टू चैप्टर्स है। पहला कौन सा है हमने लर्न किया, द बलून में, वो एक क्या है, वो एक पोयम है। ओके, तो आपको पता ही होगा द बलून मैन में क्या है, तो बलून है वो बहुत ही सबको यानी सभी चिल्ड्रन को बहुत ही पसंद होते हैं, है ना। तो आप कहीं भी जाओ तो कोई बलून मैन होता है, बलून बेचने वाला कोई भी होता है जिसको आप देखते हो, तो आपको उसको लेने के आप अपने पेरेंट्स को बोलते हो कि मुझे बलून्स लेने हैं, तो आपको बहुत ही बलून्स लेने का बहुत ही मन हो जाता है ना, क्योंकि क्योंकि बलून्स है वो सबको पसंद होते हैं, है ना। तो बलून्स है वो अलग अलग शेप के, अलग अलग कलर्स के होते हैं, रेड, पिंक, पर्पल, ब्लू, व्हाइट, येल्लो, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं। जो बलून मैन होता है वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर के, बहुत अलग अलग शेप के बहुत सारे बलून्स का बंच बना के अपने हाथ में पकड़ के वो जो मार्केट होता है उसके कोने में वो खड़ा रहता है ना। और जब हम मार्केट में कुछ लेने जाए तो सभी बहुत सारी कार्ट्स होती है, बहुत सारी शॉप्स होती है, और शॉपिंग करने वाले बहुत ही बहुत सारे वहाँ पे पीपल होते हैं। तो जब दिन होता है और उसकी जो सनलाइट जब बलून्स पर गिर रही होती है तो बलून्स से वो बहुत ही क्या करते हैं, शाइनिंग कर रहे होते हैं। जब हम मार्केट में जाते हैं तो बहुत सारे कार्ट और बहुत सारे पीपल के बीच में जो बलून्स है वो अलग से कोने में होते हैं और अलग से बहुत ही अच्छे से साइन कर रहे होते हैं। इसकी हमारी सबसे पहले नजर हमारी किस पर पड़ेगी, जो साइनिंग करते हुए अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के जो बलून्स होते हैं उसके ऊपर जाएगी। अब जो बलून मैन होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारे बलून्स का बंच, एक बंच कलेक्शन बलून्स का है ना, तो वो बंच है वो अपने हाथ में लिए उसको एक डोरी से एक थ्रेड में बांधकर अपने हाथ में लेकर खड़ा होता है। लेकिन जब बहुत तेज विंड आएगी तो वो बलून्स में क्या होता है, एयर होती है ना, तो एयर होने की वजह से बलून से वो विंड के साथ क्या होंगे, खींचे चले जाएंगे, यानी बलून से वो विंड के साथ भी उड़ने लगेंगे, है ना। और जब बहुत सारे बंच हो, बहुत सारे बलून्स हो, तब क्या होता है, तेज विंड आएगी तो कई बार जो बलून मैन के हाथ में जो स्ट्रिंग होती है बलून की वो क्या होता है, छूट जाती है। तो जब वो बलून्स का पूरा बंच है वो छूट जाए और स्काई में जैसे उड़ने लगे ऊपर, तब हमें वो देखने का बहुत ही मजा आता है ना, कि स्काई में वो बलून का बंच, अलग अलग कलर के बलून है वो स्काई में उड़ रहे होते हैं, तो हमें देखने का कितना अच्छा लगता है, हमें ही नहीं सभी को देखना अच्छा लगता है ना। तो बलून मैन है वो कैसे बलून्स बेचते हैं वो सब उसके बारे में यहाँ पे हमने स्टडी किया था। फिर क्वेश्चन आंसर है वो भी हमने लर्न कर लिए थे, स्टडी कर लिए थे। फिर था टॉक टाइम भी हमारा हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट जो है वर्ड बिल्डिंग, इसमें सेकंड क्वेश्चन पहुंचे है ना। तो वर्ड बिल्डिंग है आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें पेज नंबर 44 पे है। इसमें क्वेश्चन वन था, उसमें आपको क्या करना था, जंबल्ड लेटर्स थे है ना, उसको आपको अरेंज करके जो मीनिंगफुल वर्ड बनाना था वो हमारा हो गया था। अब उसमें सेकंड क्वेश्चन है, उसमें क्या करना है, पुट द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स इन टू द फॉलोइंग ग्रुप्स। आपको नीचे बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं वो अलग अलग ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, तो कौन सा वर्ड है वो कौन से ग्रुप में आएगा वो आपको लिखना है। ओके, तो आपको अपनी नोटबुक में आपको लिखना कंटिन्यू रखना है। तो क्वेश्चन टू, पुट द वर्ड्स
पर्पल, नेक्स्ट है पाइनएप्पल, तो आपको पता ही है क्या है कलर।
पर्पल, जी या जी आर डबल ई एन ग्रीन, डब्ल्यू एच आई टी वाई एन वाई ई डबल एल ओ डब्ल्यू येलो, ये सभी है वो कलर्स के रूप में आएगा क्योंकि ये सभी कलर्स के हैं। ओके, अच्छे से लर्न करना है, फिर से आपको रीड करना है और अपनी नोटबुक में अच्छे से लिख लो। ओके, बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग है ये। चलो अभी नेक्स्ट पेज नंबर 45 पे आपको जो वर्ड भी लिंक है इसमें आपको थर्ड नंबर का प्रश्न है। तो उसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चन बी में फाइंड द कलर्स। ओके, तो आपको क्वेश्चन थ्री में ऐसा कि हाउ मेनी कलर्स कैन यू फाइंड हिडन इन दिस मेज। आपको एक मेज दिया गया है, उसमें बहुत सारे लेटर्स है वो लिखे गए हैं, उसमें से आपको कलर्स के जो स्पेलिंग होते हैं, कलर्स के नेम होते हैं, रेड ब्लू पर्पल ग्रीन, वो सब कलर्स के नेम आपको ढूंढ कर उसके ऊपर क्या करना है, राउंड करना है, राइट देयर नेम्स बिलो। और नीचे आपको ब्लैक दी गई है वहां पे नेम भी लिखते हैं। तो मुझे जितने कलर्स मिले वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। यहाँ पे आपको सभी कलर्स, इसको कौन सा कलर बोलते हैं और सभी कलर्स पे जो स्पेलिंग है वो भी आपको आने चाहिए। ओके, तो आपको एक ऑरेंज, ऑरेंज है वो आपको दिया गया है। ओके, ओ आर ए एन जी ई, ऑरेंज। जिसको भी कलर्स के नेम्स नहीं आते हैं उसको नेम्स है वो याद कर लेने हैं। ओके, फिर जो मुझको मिला है ब्राउन, आपको मैं यहाँ पे जो जो भी कलर्स के नेम लिख रही हूँ वो आपको मेज में से ढूंढ के उसके ऊपर सर्कल कर देना है। ओके, थर्ड है ब्लू, फोर्थ
D-I-G-O, indigo. I-N-D-I-G-O, indigo. ओके, बहुत सारे कलर्स के नेम्स होते हैं. यहाँ पे जो मैंने लिखे हैं, वो आप अपनी लर्न बुक में लिखो और बोलते जाओ. और ये जो स्पेलिंग्स है, वो जो मैच दिया है उसमें से ढूंढकर उसके ऊपर सर्कल आपको खुद से करना है. ओके, अभी नेक्स्ट है वही जो है वर्ड बिल्डिंग में क्वेश्चन नंबर 4 है. इसमें क्या करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स इन द बलून्स विद देयर ऑपोजिट्स. आपको बलून्स में वर्ड्स दिए गए हैं, उसमें उसके ऑपोजिट वर्ड्स लिखकर आपको ब्लैंक्स में फिलअप करना है. यू कैन फाइंड देम इन द पोयम द बलून में. ओके, और जो वर्ड्स है उसके ऑपोजिट वर्ड है वो जो पोयम है द बलून में, वो पोयम में से आप फाइंड करके उसके ऑपोजिट वर्ड्स है वो लिख सकते हो. तो जैसे कि पहले बलून में कौन सा है, नेवर. तो नेवर का ऑपोजिट वर्ड होगा ऑलवेज. क्या होगा, ऑलवेज. नेवर यानी कभी भी नहीं, ऑलवेज यानी हर रोज. फिर सेकंड बलून है, उसमें है स्मॉल, S-M-A-L-L, S-M-A-L-L, स्मॉल. तो छोटा. स्मॉल का ऑपोजिट वर्ड होगा बिग. क्या होगा, B-I-G, बिग. ओके, नेक्स्ट है रेनी. या तो फिर हम ऐसा बोल सकते, दिस इज अ स्मॉल बॉक्स, दिस इज अ
बिग बॉक्स, ओके स्मॉल तो क्या आएगा बिग। नेक्स्ट है रेनी, तो रेनी में हम ऐसा बोलते मुझे इस रेनी डे बारिश आ रही है तो हम क्या बोलेंगे आज रेनी डे है। और अगर सनलाइट है तेज सनलाइट है ब्राइट डेज है तो हम क्या बोलेंगे मुझे इस सनी डे, तो रेनी का ऑपोजिट होगा सनी। अभी नेक्स्ट जो आपका नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 46 पे आपको क्या है टॉपिक है टीम टाइम। टीम टाइम में आपको एक्टिविटी करनी है, क्या करना है कि आपको मैंने ये करवा दिया है वो आपने आई होप कि आप सभी ने बना लिया होगा। आपको क्या बना है इसमें बलून्स के शेप कट करके आपको पेस्ट करने थे, ओके तो वो आपने कर लिए होंगे। फिर उसके बाद है से लाओ, से अलाउड में आपको बोलना है तो एस टी आर आई एन जी यानी क्या होगा स्ट्रिंग, एस टी एन डी स्टैंड, एस टी आर ई एम स्ट्रीम, एस टी आर ओ एन जी स्ट्रॉन्ग। जो इस साइड में वो पहले हम बोलते हैं एस टी आर आई एन जी स्ट्रीम, एस टी आर ई ए एम स्ट्रीम, एस टी आर ओ एन जी स्ट्रॉन्ग। तो आपको इसमें स्ट्रॉन्ग एस टी और आर तीन वर्ड से वो ज्वाइन करके आपको बोलना है, ओके एस टी आर, ओके जैसे एस टी आर ओ यानी स्ट्रो, एस टी आर ई ए यानी स्ट्रीम, एस टी आर आई स्ट्रीम, ओके तो ये स ट और र एस टी आर तीनों को ज्वाइन करके आपको बोलना है। बोलते रहो, प्रैक्टिसिंग करो बोलने की, तीनों साथ में आप बोल पाते होगे नहीं बोल पाते होगे। फिर एस टी एन डी स्टैंड, एस और टी को ज्वाइन करके बोलना है स्टैंड, एस टी आई एन जी यानी स्टिंग और एस टी आई डबल एल यानी स्टील, तो ये एस और टी को ज्वाइन करके बोलना था। अभी नीचे वाले जो स्पेलिंग्स है उसको खास देखना है, वो हमने जैसे हमने मैंने आपको आगे जो बताया वो कप वाला एक्टिविटी था, उसमें क्या करना है कि उसमें क्या था आपके ये जो वर्ड्स है देखो एच ए यू
ओके, सेल सेल, टेल टेल, माइंड माइंड, हॉल हॉल, ओके। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में कि जिसके साउंड सेम होते हैं लेकिन जो स्पेलिंग है और उसका मीनिंग से वो दोनों डिफरेंट होते हैं, सिर्फ साउंड ही सेम होता है, ओके। तो आपको ऐसे कोई भी दूसरे वर्ड्स मिले तो उसको भी आपको नोट करना है आपकी बुक में, ओके। तो यहाँ पे हम यहाँ पे ये जो चैप्टर है वो स्टॉप करते हैं, यहाँ पे कंप्लीट होता है। मिड नंबर 5 का जो दूसरा चैप्टर है वो नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे। तब तक आपको ये जो हमने रिवीजन देखा उसको रिवाइज करना है, स्टडी करना है।